सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज भरवाठिया में हुए पिल्लर कांड को अब जिले का शिक्षा विभाग दोहराना चाहता है। ताजा मामला खुनिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत दुबियाल तिवारी में निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय में मानक की जमकर धज्जियां उड़ाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। ग्राम प्रधान सहित कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में छत की ढलाई ठेकेदार ने करा दी। छत निर्माण कार्य में सरिये का कम प्रयोग हुआ और देसी बालू अधिक प्रयोग की गई। उनका आरोप है कि देसी बालू से दीवार चिनाई कराई गई और छत लगाने के दौरान नाम मात्र का सरिया और मोरंग बालू के स्थान पर 80% देसी बालू का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। ग्रामीणों ने इस विद्यालय की उच्च स्तरीय टेक्निकल जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग जिम्मेदार अधिकारियों से की। प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में छत की ढलाई की गई है। वहीं इस मामले को लेकर के मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि डीएम साहब ने बयान देने से मना किया है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मोहम्मद मनवर खान, कहाँ के रहने वाले? मैं इसी ग्राम सभा संदल जोत का निवासी हूँ और मैं प्राथमिक विद्यालय दुबैल तिवारी में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज SDI साहब आए थे यहाँ जी, गांव वाले भी आए थे, क्या मामला था? सुबह हम लोग विद्यालय जब आए तो यहाँ गांव वाले सब हल्ला कर रहे थे कि आप लोग कैसा बिल्डिंग बनवाया है। तो हम लोगों ने उनको समझाया कि भैया ये विद्यालय की तरफ से अध्यापक की तरफ से नहीं बनाया जा रहा है, ये सरकारी कोई ठेकेदार हैं उनको बनवा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको आप लोग शिकायत करिए, ये बिल्डिंग बहुत ही ख़राब बना है, गिर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा। तो हम लोगों ने प्रधान को बताया, प्रधान ने खंड शिक्षा अधिकारी और उच्च अधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद सारे लोग आए यहाँ, फिर बातचीत हुई। कौन करवा रहा? काम कौन करवा रहा? काम यहाँ के एक ठेकेदार हैं, अभिमन्यु पाल नाम है उनका, अभिमन्यु सिंह नाम है ठेकेदार का। वो कभी कभार यहाँ आते हैं, एक दो बार मैंने देखा उनको, बाकी उनके आदमी यहाँ सब काम करवाते हैं। कैसा काम हुआ? अब काम तो देखने में सही नहीं है काम। यहाँ पहले छत लगाने से पहले प्लास्टर हो गया है अंदर बाहर दीवार का, और छत लगाए हैं तो रात में लगाए हैं। तो गांव वाले तो इसी में नाराज है कि कौन सा, ये कौन सा काम है कि रात में जो होता है, छत दिन में लगाया जाना चाहिए। रात में हम लोग चाहते हैं कि इसका निर्माण सही से हो, चूँकि बच्चों को रहना है, इसमें पढ़ना है, हम लोगों को भी यहाँ बैठना है, ताकि कोई दिक्कत भविष्य में ना आए। बहुत जगह सुनने को मिलता है कि बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, तो ऐसा ना हो यहाँ कि बच्चों को परेशानी हो, गार्जियन कोई। मैं विश्वनाथ प्रताप, PS दुबैल तिवारी से हूँ। मेरा ये यहाँ बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, ये जो निर्माण अच्छा नहीं हुआ है। गांव वाले इस पर नाराज़गी जता रहे थे और इसकी शिकायत प्रधान जी से और गांव के लोगों से भी हुई थी और BO सर से भी की गई, जिसमें BO सर नाराज़गी जता रहे थे और JE सर से भी बात हुई थी इसमें मैटर में। BO साहब आए थे यहाँ? BO सर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है हम कोई बात नहीं, हम काम को अच्छा कराएंगे और इसमें जो जो भी हो सकेगा वो रात के अंधेरे में चाय वो छत को लदाया गया था, इसलिए काम फिर से काम कैसा हुआ है? काम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, गांव वालों ने नाराज़गी जताई है इसीलिए, और काम फिर से। प्राइमरी विद्यालय नहीं, हमारा नाम सुखराम चौधरी है। सुखराम जी, आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मामला है जी? ये विद्यालय जो है, जो बनाया गया है, ये रात के अंधेरे में लेंटर लादा गया है और पूरे गांव के जो है बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार बनाने वाला तो होगा नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पता नहीं किसने बनाया है। इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मानक कि उनको मतलब जितना उसमें मटेरियल डालना चाहिए पड़ा नहीं है, रात में जो है लेंटर लगा करके चले गए हैं छत का। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं कि या तो मतलब इसको अच्छे से फिर से दोबारा बनाया जाए, सही तरीके से बनाया जाए, इसको जो है सही तरीके से बनाया जाए, नहीं तो बच्चों के जो है ज़िंदगी का सवाल है। पूरे गांव के बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जो है बच्चों को पढ़ा कर क्या करेंगे, क्या मतलब निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा विद्यालय बनने से। विद्यालय जो बनाया रंगपाल वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? संदल जोत। क्या मामला है आप लोग यहाँ आए हैं? मामला यह है कि ये जो विद्यालय बनाया गया है
बहुत ही डिस्पोजल बनाया गया है, इसमें बच्चे रहने और पढ़ने लायक नहीं है। ये आकस्मिक घटना हो सकता है, तो हम लोग चाहते हैं कि शुद्ध रूप से बनना चाहिए। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, अभी तो शिकायत नहीं किया कहीं, लेकिन ऐसे ही रहेगा नहीं, कोई सुधार होगा तो शिकायत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों वाली मामला है, जिंदगी का सवाल है। क्या चाहते हैं हम? चाहते हैं कि शुद्ध से बनाया जाए इसको, सही रूप से।